हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल से अभिषेक ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हो गई मॉर्निंग हमारी और हमने बनाया नाश्ते में सूजी का हलवा। नाश्ता करने के बाद हम लोग फोन करेंगे मुतवा को, मुतवा आएगा हमको लेने। अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता हो गया अपना कम्प्लीट और हमको लेने आ गए मस्जिद के इमाम, जो कि हम आपको झलक नहीं दिखाएंगे। तो हम इनके साथ जा रहे हैं। अभी फिलहाल जो एक बच्ची है उसको फिट करके फाइनल करके ये वाला मैच भी हम लोग फुल बहुमत के साथ यानी फुल जीत जाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं अगला मैच कहाँ है। हाँ, तो लखनऊ वाली पिच के क्या नाम है? इकाना। लड़का अपना याद कर चुका है स्टेडियम का नाम। तो गाइज, हमने एसी लगा दी थी, एसी थी वो जर्नल की, एसी का इंडोर काफी भारी था। जैसे लगा के हटे वो गिर गया मुंह में। तो लेके आए एक नई प्लेट और ये हमारे साबिर भाई माशाल्लाह गोरखपुर के रहने वाले हैं और ये है इमाम के नीचे नायब इमाम मस्जिद के। सामने जो मस्जिद दिख रही है, इस मस्जिद के नायब इमाम है और ये हमको लेके आए हैं फिर से हमारे घर से मुतवा के घर में। तो फिलहाल चोट नहीं लगी अल्हम्दुलिल्लाह और साबिर भाई का इखलाक, साबिर भाई का प्यार इतना वसी है, इतना अच्छा है कि हमारा दिल खुश हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है उसकी बारगाह में कि साबिर भाई को हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। और ये सामने जो एक कोयती है, ये बदू कोयती जा रहा है, इस सामने कोयती जा रहा है बदू। बच गए, अभी गाड़ी लड़ गई थी। चूतिया देखता है अजनबी, बस जोर से भगा देता है गुरबक साला। तो फ्रेंड्स, ये है इमाम की गली और सेम सेम देखिए सारे घर है वैसे इमाम का भी घर है। तो फ्रेंड्स, मुतवक घर का काम हो गया खत्म और हम लोग अभी पैदल जा रहे हैं गता एक से गता चार, यानी तकरीबन 5 किलोमीटर है वहाँ हम लोग पैदल जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो है कार नहीं है। इमाम और इमाम का जो नायब इमाम दोनों लोग गए हैं मदरसे से बच्चे उठाने, इसलिए हम लोगों को चलना पड़ रहा है पैदल। हम लोग जा रहे हैं अपने रूम, वहाँ खाएंगे खाना। हम आ रहे थे कतायक से पैदल और हमको लेना था रोटी। ये हमारे सदीक मोहम्मद इमरान भाई कार भाई और ये हमारे हद्दाद भाई, जो कि हमको मिल गए जमैया में, तो हमने इनसे मुलाकात की और ये लोग खा रहे हैं भुनी हुई मुर्गी है जमैया, जहाँ हम लोग आए रोटी लेने। और ये अपने पठान भाई काफ़ी फुर्सत से बैठे हुए काम धंधा निपटा के, इमरान भाई से मुलाकात करके अब हम निकलते हैं अपने रूम और वहाँ खाएंगे खाना। काफ़ी मेहनत लग गई और ये सामने आपको दिख रहा होगा कोयती ने सजाया है काफ़ी खूबसूरती के साथ अपने घर के बाहर डिकोर। और ये लगे दरख्त, इस चीज़ का एहसास सबको नहीं होगा जो गल्फ में खलीज में रह चुका है, उसको पता चल रहा होगा कि गर्मी में पैदल चलने का मतलब क्या है, हालत टाइट और हवा ढीली। तो अरबी में कहते हैं महत्ता, महत्ता के NPC जस्ट इसके पीछे ही हमारा घर है और हम घर के करीब पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह घर के करीब तो पहुँच गए, मगर काफ़ी ढेर सारा पैदल चलना पड़ गया और अपना हो गया मामला सेट। आना इतना में गिद्दम गदा तला था आना सॉरी टेलीफोन अंत मारो सियारा मालन तो मौजूद पार्किंग मस्जिद है क्या फिलहाल ताल ताल है किल सब सब ताल ताल वहाँ पर मुश्किल आना गुरफो अल ना हसल गुरफो आना मौजूद गदारो ला 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 हसल गुरफो माल आना आना रो बिरजी हाँ फी वाहिद अमरीकी हो सद मिन वरा कुल सियारा है जी खराब ट्रांसफर हो करो जब कुल शे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड, ये था हमारा सदीक नासिर, इसको हमने आपको दिखाया था कार में, हम इसके साथ गए थे कंप्लेन में। तो हम इसके घर के बाहर से निकल रहे, तो हमने इसको कॉल किया, तो इसका कॉल आया बाद में जब हम पहुंच चुके हैं अपने घर के पास गताचार। तो मिलते हैं आपसे रूम में। ये बार हमने चला है 5 से 7 किलोमीटर और ये हमारे गमलों के सारे दरख्त गर्म करके रेडी करके बैठ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, दस्तरखान लग चुका है और हम बैठ चुके हैं खाने में। हमारा खाना हो गया था और हमने कहा अब्दुल्ला को भी थोड़ा सा चावल दे दे, तो चावल खा लेगा अब्दुल्ला। और ये हमारी मुर्गी का अंडा, तरीके से मैच्योर नहीं हुई तो अंडा टेढ़ा बकोला कारतूस के जैसे दे रही है आजकल। खैर दे रही है कम से कम, वो अंडा इसलिए दे रही है कि आके भाई ने कहा था अगर मुर्गी अंडा देना नहीं शुरू करेगी तो इसको काट के खा जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ उसने सदमे में अंडा देना शुरू कर दिया। कहते हैं जादू, आके भाई बंद हो गए अंदर क्या कर रहा रोहन देखे। इमाम साहब के घर का काम हो गया था खत्म और हम आ चुके हैं अपनी दूसरी लोकेशन में। लोकेशन है हुकूमा गता 4 और फिट करना है खद्दामा के रूम का AC। खद्दामा बोले तो
वो जो मेड होती है घर की उसके रूम की है। लोकेशन सनसेट का टाइम हो रहा है और व्यू काफ़ी प्यारा है, बहुत ही शानदार आपको दिख रहा होगा। और चेहरा हमारा जो चमक रहा है ना, इसमें हमने लगाया है गेहूँ की क्रीम, आपसे बता दिया आप भी लगा लीजिएगा। तो निकलते हैं यहाँ से करके अपना काम। तो फ्रेंड्स काम सारे निपटा के हम आ चुके थे घर और हमारी नई कार आ चुकी थी, तो वो आके भाई लेंगे। और ये हमारी सेकंड कार पजेरो, इसको हम लेके निकलेंगे क्योंकि एक गाड़ी में चार लोग नहीं जा सकते। तो दूसरी हमारी ये बैटरी आई है, अब हम इसकी बदलेंगे बैटरी और निकालेंगे अपनी दूसरी कार पजेरो को। सेम लगाना जो दग जाए। तो मोनू भाई माइनस प्लस चेक कर रहे हैं, हमने कहा सेम लगाना वरना लगाते ये दग जाए तो मामला हो जाएगा भारी। तो हल्की हो या भारी, पजेरो में बैठेगी 20 रुपये सवारी।